तो कई सारे एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए वर्चुअल ऑफिस स्पेस एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस बनती जा रही है। ये एक रेवोल्यूशनरी चीज है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी। ट्रेडिशनली ऑफिस में क्या होता आ रहा है कि वर्कर्स मोस्टली रोज ही ऑफिस जाकर काम करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और अभी पैंडेमिक के कारण भी बहुत सारी कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो ऑफिसेस मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और ज्यादातर जो स्टार्टअप्स होते हैं वो शुरू में अच्छा ऑफिस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आता है वर्चुअल ऑफिस का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट फॉरेन में बहुत सारे बिजनेसेस ने अडॉप्ट किया है, लेकिन अभी इंडिया में भी ग्रो हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए भी। तो आप जानते हैं वर्चुअल ऑफिस होता क्या है? तो कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो वर्चुअल ऑफिस की सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनीज बहुत सारे कंट्रीज और सिटीज में सिचुएटेड रहती है। वर्चुअल ऑफिस में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है प्रोफेशनल बिजनेस एड्रेस। अगर आप एक नई कंपनी रजिस्टर करते हो या एग्जिस्टिंग कंपनी भी है तो उसके लिए एक बिजनेस एड्रेस लगता है। वो एड्रेस ये कंपनी प्रोवाइड करती है जो आप किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी में ले सकते हो। वो आपके बिजनेस का एक ऑफिशियल एड्रेस हो जाता है जिसे आप कहीं भी, जैसे अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट, विजिटिंग कार्ड्स, मेलिंग एड्रेस, सभी जगह यूज कर सकते हो। मतलब आप कहीं से भी काम करो लेकिन आपका एक ऑफिशियल बिजनेस एड्रेस है, वो भी बिना ऑफिस ओन किए। ये एड्रेस आपकी सिटी में भी हो सकता है या दूसरी सिटी में भी हो सकता है या जैसा आप चूज करें। जैसे अगर मैं इंदौर में रहता हूँ और मुझे इंदौर में ही वर्चुअल ऑफिस चाहिए, तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसके इंदौर में तीन जगह पर ऑफिसेज हैं, तो उन तीनों जगहों में से किसी एक जगह पर अपना ऑफिस चूज कर सकता हूँ मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से। अब आपके पास बिजनेस एड्रेस तो है और आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, लेकिन कभी आपको क्लाइंट से मिलना पड़ा या अपनी ही टीम से कभी मीटिंग करना पड़े, तो ऐसे सिचुएशन में वो कंपनीज आपको कैबिन या मीटिंग रूम्स भी प्रोवाइड करवा देती है जब भी आपको चाहिए होता है। तो आप वहां पर जाकर क्लाइंट से मिल भी सकते हैं, मीटिंग भी कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े। वर्चुअल ऑफिस में और भी सर्विसेज मिलती है, जैसे आपके कॉल अटेंड करने के लिए एक रिसेप्शनिस्ट होता है जो आपके बिजनेस कॉल्स अटेंड करते हैं और साथ में मेल हैंडलिंग की भी सर्विस देते हैं। तो आपको एक ऑफिस की सारी फैसिलिटीज मिल जाती है बिना ऑफिस को ओन किए या उसे मेंटेन किए। वर्चुअल ऑफिस ना तो पूरी तरह कोवर्किंग स्पेस है और ना ही फुल्ली ओन्ड ऑफिस है, ये दोनों का एक मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप जिम के सारे इक्विपमेंट्स और मशीन्स खरीदते नहीं हो, लेकिन आप किसी बनी बनाई जिम में जाकर उसकी मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लेते हो और जब इच्छा होती है वहां पर जाकर जिमिंग कर लेते हो। लगभग कुछ वैसा ही कंसेप्ट है वर्चुअल ऑफिस का भी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऑफिस रेंट भी तो कर सकते हैं। सही है, कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसे मेंटेन भी करना पड़ता है, उसे संभालने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिसेप्शनिस्ट की सैलरी और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, और उन ऑफिसेस का रेंट भी ज्यादा होता है वर्चुअल ऑफिस के कंपैरिजन में। इसमें आपको सिर्फ एक लैपटॉप, इंटरनेट और फोन की जरूरत होती है। आप अपनी टीम कहीं से भी संभालो, आपका ऑफिस का काम तो हो ही रहा है, कोई टेंशन नहीं होती है। अब जानते हैं वर्चुअल ऑफिस क्यों लेना चाहिए। तो पहला है प्रोफेशनलिज्म। ये आपके बिजनेस को और आपको और भी ज्यादा प्रोफेशनल, क्रेडिबल और ट्रस्ट वर्दी बना देता है। अगर आपके बिजनेस का एड्रेस किसी प्रेस्टिजियस जगह पर होता है तो वो आपके बिजनेस को या ब्रांड को एक प्रोफेशनल इमेज देती है। इससे क्लाइंट्स भी आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और अगर आप किसी नए क्लाइंट को भी पिच करते हैं तो आपके बिजनेस पर जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अच्छी जगह पर ही आपका बिजनेस हो तो आपको ज्यादा क्लाइंट्स या बिजनेस मिलता है, पर इसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। हम इंडियंस की मेंटालिटी होती है कि हम किसी भी बिजनेस का नाम या उसका एड्रेस देख कर ही उसे जज कर लेते हैं, तो इस रीजन से भी ये आपके बिजनेस ग्रोथ में थोड़ी सी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हो या फ्रीलांसर हो और आप घर से ही काम कर रहे हो, आपके पास ऑफिस नहीं है, तो आपको क्लाइंट को आपके घर का ही एड्रेस देना पड़ता है, तो बहुत ही अनप्रोफेशनल सा लगता है। इसीलिए एक प्रोफेशनल बिजनेस एड्रेस होना बहुत जरूरी है। सेकेंड है कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वर्चुअल ऑफिस का ट्रेडिशनल ऑफिस के कंपैरिजन में कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होता, जैसे फर्नीचर, टेबल्स, चेयर्स, ना इन सबको मेंटेन करने का, तो ये पैसा आप अपने बिजनेस में ही लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको कम कॉस्ट में बहुत ही प्रेस्टिजियस लोकेशन पर बिजनेस एड्रेस मिल जाता है, तो स्टार्टअप्स के लिए तो ये बहुत ही सही चीज़ है। थर्ड है इजी बिजनेस एक्सपेंशन। वर्चुअल ऑफिस की हेल्प से आपको ये भी एक बहुत सही एडवांटेज मिलता है कि आप बहुत कम कॉस्ट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि आप इसमें कहीं भी किसी भी जगह पर अपना ऑफिस का एड्रेस ले सकते हो और इसमें आप एक साथ मल्टीपल जगहों पर भी अपने ऑफिस का एड्रेस ले सकते हो। जैसे आपने किसी बड़ी कंपनी में देखा हो कि उनके ऑफिसेज अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, ऐसा आप भी कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए वर्चुअल ऑफिस की हेल्प से।
जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसे प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश में बेस्ड है। तो मोस्टली क्या हो रहा है कि जो फॉरेन कंपनीज है वो मध्य प्रदेश को जानती नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में कुछ ही सिटीज को जानती है, जैसे मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली। तो उसके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है कि जो कंपनीज है वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो मध्य प्रदेश में बेस्ड है। तो वो भी अभी मुंबई में एक वर्चुअल ऑफिस रजिस्टर करने वाला है। तो अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है तो आप भी वर्चुअल ऑफिस की हेल्प ले सकते हैं। तो वर्चुअल ऑफिस अभी एक नया कंसेप्ट है बिजनेस वर्ल्ड में। ये स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप भी कभी बिजनेस करना चाहते थे और कम बजट होने के कारण बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे, तो वर्चुअल ऑफिस आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर आपका ऑफिस पहले से ही है तो आप वर्चुअल ऑफिस की हेल्प से अपने बिजनेस को और भी दूसरी जगहों पर लेकर जाओ। वर्चुअल ऑफिस सर्विस प्रोवाइडर्स के अलग अलग पैकेजेस होते हैं, तो अपनी रिसर्च करो और जो भी बेस्ट लग रहा है वो ले लो। तो अलग अलग कंपनीज की सर्विसेज की रिसर्च करो इंटरनेट पर। वैसे आपको बिजनेस एड्रेस, रिसेप्शनिस्ट और मेल हैंडलिंग वाली सर्विस मिनिमम 1,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगी पर मंथ के लिए, या 5,000 पर मंथ तक में आपको अपना कैबिन भी मिल जाता है। वो अलग अलग कंपनीज पर डिपेंड करता है, तो उनकी वेबसाइट पर जाओ, अच्छे से चेक करो और जो अच्छा लग रहा है वो ले लो। तो यही थी वर्चुअल ऑफिस की वीडियो। अगर कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।